इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी वृंदावन भारत में हुआ था। इनका जन्म स्थान पिहानी, जो कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के समीप है। कुछ और लोगों के मतानुसार ये पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान के काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विठल दास जी था, माता का नाम मिश्री देवी और पिता का नाम गनेखा था। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। कवि रसखान कृष्ण के भक्त थे और प्रभु श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। रसखान ने कृष्ण की सगुण रूप की लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, जैसे बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि। रसखान ने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारी चैनल हिंदी जीवनी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर